हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं सर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए सर, प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। मैम एक काम करिए, इधर आइए, इधर आइए। आप यहाँ गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए, बैठिए। आप यहाँ गाड़ी में रहिए, मैं देखता हूँ। ओके, बैठिए। ये तो लगता है सालों से बंद पड़ा है। ये ठंडी कहां से लगने लगी? कौन है वहां? कौन है? कौन? कौन है वहां? हाँ, कौन है? कौन है? कौन है वहां?
देखो तुम जो कोई भी हो सामने आओ। कौन हो तुम? अभिजीत कब से फोन लगा रहा हूं, तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है? फोन बंद हो गया था। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? क्या हालत बना रखी है तुमने? मेरी तबीयत? हाँ क्या हुआ, इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? और पुणे से कब वापस आए तुम? अरे हाँ, पुणे से ही तो मैं कल रात लौटा, लेकिन मैं घर कैसे आ गया? क्या हुआ था कल रात? अभिजीत तुम्हारी गाड़ी बाहर खड़ी है, अब पुणे से तुम ड्राइव करके आए होंगे ना? क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो? गाड़ी बाहर है तो मैं यहाँ पे, कल रात की कोई भी चीज मुझे याद क्यों नहीं आ रही? बस खाली सर पकड़ा हुआ है। कोई नहीं, रिलैक्स, फिक्र मत करो। ये बताओ कि कल रात की आखिरी बात, आखिरी चीज कुछ याद है? कुछ भी? कल मैं रात में पुणे में फंक्शन अटेंड किया, फिर वहां से वापस लौट रहा था। उसके बाद मैं घर कैसे पहुंचा, कब सोया, कुछ याद नहीं। फिर तुमने डोरबेल बजाई तब नींद खुली मेरी। मैं यहां सोफे में सोया हुआ था, कपड़े भी वही हैं। पता नहीं यार, कल रात का कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? अचानक क्या हो गया अभिजीत को? कहीं फिर से इसकी याददाश्त पे असर तो नहीं पड़ रहा? मैं तो अपने आप को भी नहीं जानता सर। मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, मुझे नहीं पता। कोई नहीं जानता हूँ कब कैसे कहाँ सामने आ जाएगा। यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात कुछ बुरा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या, कैसे पता चलेगा? फिक्र मत करो, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कल रात क्या बात है। हम लोग पुणे हाईवे पे चलते हैं। हाँ? हाँ? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाता हूँ तब तक। ओके, रिलैक्स। सारे दोस्त भी यही कह रहे हैं, कल रात मैं बिल्कुल ठीक ठाक था जब मैं पुणे से निकला। पता नहीं रास्ते में क्या हुआ कि याददाश्त चली ही गई। एक मिनट, गाड़ी रुको। क्या हुआ? एक मिनट। बस। एक मिनट। मुंबई 70 किलोमीटर, ये मुझे अच्छे से याद है।
मैंने कल रात यहाँ देखा था, मुंबई 70 किलोमीटर। उसके बाद आगे कुछ हुआ था। गुड, इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ इसके बाद हुआ। हाँ, गाड़ी घुमा। चलो यार, दे गाड़ी रोकना यहाँ पे बस यही जगह, यही यही जगह। यहाँ पे एक लड़की आई थी मेरी गाड़ी के आगे और मुझसे मदद मांग रही थी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको बोला गाड़ी में बैठो और हाँ, ये देख, वो दिख रहा है, वहां मैं गया था उस घर में। यही है वो हवेली जहां मैं कल रात को आया था। जी बोलिए। तुम? वो लोग सब मुझे मार देंगे सब, प्लीज मुझे ले चलिए यहाँ से। हाँ, ये कल रात मदद मांगने आई थी ना, अब ठीक हो तुम? क्या, मैं मदद मांगने आई थी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, वैसे आप है कौन? तुम मुझे नहीं जानती? कल रात जब कार से मैं जा रहा था तो हाईवे पे आई थी ना तुम मेरे सामने मदद मांगने के लिए। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? देखिए, आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। तुम क्या पुलिस को फोन करोगे? मैं खुद सीआईडी से हूँ, सब याद आ गया मुझे, समझी तुम? तुम वहाँ कार में बैठी थी, मैंने तुमसे बोला था कार में बैठो, मैं यहाँ आया था इस घर में और यहाँ पे कुछ था। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज से पहले मैंने इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा, ठीक है? इसलिए आप लोग चले जाइए। अभी पता चल जाएगा कि ये कल रात आपसे मिले थे या नहीं। अभी ये घर अंदर से देखो, यही घर है क्या? अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप लोग। घर तो वही है, लेकिन कल ऐसा नहीं था, सब कुछ बदला सा लग रहा है। वहां पे यहाँ पे मैंने दो लोगों की लाशें देखी थी, दो लोग जिनका खून हुआ है, अब मुझे सब याद आ गया। क्या वो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा यार? मैं सच कह रहा हूँ, दो लाशें थी यहाँ पे और यहाँ पे एक डरावनी सी औरत थी, उसका चेहरा पूरा गोल गोल घूम गया 360 डिग्री और फिर मैं उसके सामने था, अचानक आंखों के सामने अंधेरा आया, मैं बेहोश हो गया और जब आंख खुली तो मैं अपने घर पे था। देखिए, आप लोग सीआईडी से हैं, इसलिए मैं इतनी देर से आप लोगों की बकवास सुन रही हूँ, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे नहीं पता आप ये कौन सा खेल खेल रही हैं, लेकिन एक मिनट, अगर हम मान भी ले कि कल रात तुम्हारे साथ ये सब हुआ था, तो गाड़ी चला के तुम घर कैसे लौटे? गाड़ी चला के घर कैसे गया? कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम तो कल मुझसे मदद मांगने आई थी ना, अब क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों झूठ बोलूंगी, मैं तो कल रात यहाँ पे थी भी नहीं। ये देखिए, मैं आज सुबह ही यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? दया, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे दो लाशें थी, मैंने देखी थी यहाँ पे और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूँ। इसने घर की चाहे कितनी भी सफाई कर ली हो, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि खून के निशान इतनी आसानी से नहीं मिटते हैं।
तुम्हें और टेस्ट करके देख लेते हैं। हाँ अभिजीत, यहाँ खून तो क्या खून के छींटे तक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। वो दो लाशें थी यहाँ पे यार, और वो लड़की भी यही थी जिसको देख के मैं बेहोश हुआ था। यार एक बार फिर से देख लो, शायद मिल जाएंगे। देखिए आप लोगों को जो चेक करना था आप लोग कर चुके हैं। आप लोग सीआईडी से हो या फिर कहीं से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या फिर मैं अपने लॉयर को कॉल करूँ? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग जा रहे हैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे यार, उन दोनों की खूनी को ढूंढना है। चलते हैं यार। अभिजीत चलो आ जाओ। थैंक यू। ये तुम्हें लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं यार, मगर तुमने घर के अंदर देखा ना, सब कुछ नॉर्मल है। पता नहीं कैसे नॉर्मल हो गया। मुझ पे भरोसा करो दया, ये मेरी कल्पना नहीं है, यही लड़की थी वो। 100% श्योर? 200%। तुमको पता है कि जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता मैं क्या? वही सर दर्द। डोंट वरी, मैं समझता हूँ। पर सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है। शुरुआत कहाँ से करें? ना तो हमारे पास लाशें हैं और ना कोई सबूत। वो मरी हुई लड़की, उसका चेहरा याद है मुझे। ग्रेट, तो उसका स्केच बनवाते हैं, पता तो चले कि औरत है कौन। सर मुझे ऐसे गांव बहुत पसंद है सर, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे मुंबई में तो एक पड़ोसी का नाम दूसरा पड़ोसी नहीं जानता। आप मुंबई, यही तो फर्क है और यही खासियत है छोटे शहरों का और मेट्रो सिटीज का। ओ भाई, ये इसको कहीं देखा है? नहीं, कभी नहीं। मैं तो बरसों से इस गांव में रह रहा हूँ लेकिन इन्हें मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, उस लड़की के बारे में क्या जानते हैं जो अभी अभी अनामिका हवेली में रहने के लिए आई है? नहीं, ना तो मुझे कुछ हवेली के बारे में मालूम है, ना मैंने इस लड़की को कभी देखा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये औरत यहाँ इस गांव में रहती है? नहीं, मैंने नहीं देखा और ना ये गांव में रहती है। अच्छा, आपके गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, अनामिका हवेली, उसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जरा ये औरत जो है, इसे आसपास कहीं देखा है? इस गांव की रहने वाली? नहीं साहब, मैं इस औरत को नहीं जानता। सर प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी नहीं, मैंने पहले कभी इसे नहीं देखा। और वो ये जो अनामिका हवेली है गांव में, उसके बारे में क्या बता सकते हैं? हवेली? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे जब भी उस पुरानी हवेली के बारे में पूछते हैं तो यहाँ लोगों का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इसका मतलब है कोई ना कोई गहरा राज जुड़ा हुआ है उस हवेली के साथ। सही, स्केच वाली औरत को भी किसी ने नहीं पहचाना। हो सकता है वो औरत इस गांव से ना हो। सर ये भी तो हो सकता है वो किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुकी हो। इस गांव के आसपास सिर्फ दो ही होटल है, वहां चल के पता करते हैं। हाँ सर, ये नेहा जी हैं, ये दो दिन तक हमारे होटल में रुकी थी अपने हस्बैंड यश के साथ। अच्छा, चेकआउट कब किया था इन दोनों ने? कल शाम को सर। कल शाम को? ये दोनों आए कहाँ से थे? सर ये दोनों पुणे से आए थे। पुणे से? सर परसों उन्होंने एक कैब बुक करी थी यहाँ पास वाले शहर के लिए। टैक्सी? कहाँ जाने के? जिंदुगढ़, यहाँ से एक घंटा दूरी पर है। चिंदुगढ़? क्यों पता नहीं सर,
और ये कैब सर्विस कौन सी है जो आपने उनके लिए बुक कराई थी? सर हमारे यहाँ पर एक ही कैब सर्विस है, ये रहा उसका कार्ड। कैब सर्विस से उस जगह का पता चल गया है जहाँ पे ये दोनों गए थे। हाँ सर, ये नेहा है, ये अपने पति यश के साथ आई थी परसों शाम। किस लिए आए थे लोग? सर ये लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, मतलब भूत प्रेत और आत्माओं पे जांच करने वाले। पर आपसे क्या जानना चाहते थे ये लोग? सर ये एक वीडियो फुटेज देखने आए थे। कैसा वीडियो? सर एक साल पहले मैं और मेरे दोस्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो चैनल चला रहे थे जहां हम लोगों को भूत प्रेत के वीडियोस दिखाते थे। एक दिन हमसे गलती हो गई जो हमने उस अनामिका हवेली में शूटिंग करने की सोची। दोस्तों अब हम उस भूतिया घर में घुस आए हैं जहाँ पिछले करीब 100 साल से भयानक आत्माएं रह रही हैं। ठंडी लग रही है, अचानक रूम का टेम्परेचर गिर रहा है, अजीब बात है। चलो शालू ऊपर। ये अचानक म्यूजिक कहां से बजने लगी? ये क्या, कौन है ये हो क्या रहा है रोनी? अरे अरे ये क्या क्या हो रहा है भगवान? अरे शालू ये क्या हो रहा है रोनी? मैं तो किसी तरह बच गया था लेकिन मेरे दोनों दोस्तों का आज तक कुछ पता नहीं चला। ऐसी आवाजें, यही चेहरा, यही तो मैंने भी हवेली में देखा था। दया तुमने यश और नेहा से पूछा ना कि इतने सालों बाद इस हवेली में इतने दिलचस्पी क्यों ले रहे? सर क्योंकि नेहा और यश के साथ एक लड़की और आई थी सोनल। कह रही थी कि ये हवेली उसके परिवार वालों की है और उसे उन आत्माओं को वहां से भगाना है। सोनल, ये सोनल दिखने में कैसी थी कुछ बता सकते हैं? सर हाइट उसकी तकरीबन 5 फीट 4 इंच, बहुत दुबली पतली, बहुत गोरी, भूरी आंखें और लेफ्ट होंठ के ऊपर एक तिल था। देखा दया, वही लड़की कल रात मुझसे मदद मांग रही थी और आज पहचानने से भी इनकार कर दिया। सोनल, सोनल, क्या? देखा, सारा सामान गायब है, लगता वो भी भाग गए। सोनल, सोनल, we'll be right back.
सर सारा घर छान लिया, कोई नहीं। ये सोनल अपनी मर्जी से यहाँ घर छोड़ के गई है या फिर कहीं उसकी जान भी खतरे में तो नहीं? एक विनती है साहब, उस पुरानी हवेली का पीछा छोड़ दीजिए, वरना अगर वो आत्मा है, वो आत्माएं भड़क गई तो ना जाने कितने बेगुनाहों की जाने जाएंगी। मगर हम जानते हैं आप सीआईडी वाले आत्माओं पर यकीन नहीं करते हैं, मगर बिना आग के तो दुआ नहीं उठता है ना साहब। वो मौत का घर है, इसलिए कोई नहीं जाता वहां। मौत का घर नहीं है वो, लोगों का अड्डा है, और वहां पे कौन सा जुर्म होता है उसका पर्दाफाश हम लोग करके रहेंगे। सर आप जिन राक्षसों का पर्दाफाश करना चाहते हैं उसकी सजा सारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। सर सर उन आत्माओं ने कितने लोगों की जान ली है आप लोगों को नहीं पता सर। देखिए हम ये सब कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, और बेहतर होगा कि आप लोग भी ना करें। मैडम ये कही सुनी नहीं, मेरी आंखों देखी बात है। मैं उस लड़की का चेहरा आज तक भूला नहीं हूँ जिसको उस आत्मा ने जकड़ रखा था, अपने काबू में कर रखा था। जितनी भी मौतें हुई हैं वहाँ पे इंसानों ने की है, आत्माओं ने नहीं। और अब उन खूनियों को पकड़ने का वक्त आ गया है। नहीं पकड़ पाएंगे आप, क्योंकि आज तक जो भी वहाँ पे गया है कभी जिंदा वापस नहीं आया है। ठीक है हम लोग अभी वहां जाते हैं, और आज रात को हम लोग वहीं पे रुकेंगे। क्या कह रहा था कि यहाँ पे तो इतना टाइम लोग रुक गए हैं सर, कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर हम लोग घर ही चलते हैं। हाँ सर चलते चलते हैं, पर सुबह चलते हैं है ना। एक काम करो जरा चक्कर मार के ना हवेली का। अकेले सर? हाँ अकेले, चलो निकलो। अभी वो भूत और आत्माओं का टाइम हो गया आने का सर, अभी भी बचाओ अकेले। ठीक है कुर्बानी तो जूनियर कॉपी देगा ना, एडिटर भी नहीं। ये तो वही म्यूजिक है जो महेश के वीडियो में थी, ये बजा कौन रहा?
पीछे ले जा सर, ये सब क्या हो रहा है सर? सर चल ले जाते सर, क्या हो रहा है? अभिजीत सर, जैसर उठिए जैसर, सर सर अभिजीत पूर्वी नहीं मिले सर, सर पूर्वी अभिजीत को ढूंढो, अभिजीत पूर्वी अभिजीत सर पूर्वी पंकज कैसे हो? पंकज मैं ठीक हूँ, अभिजीत सर अभिजीत सर दया सर अभिजीत सर अभिजीत सर दया सर दया सर ऊपर है अभिजीत सर नहीं मिले अभिजीत सर अभिजीत अभिजीत सर कहाँ पर है अभिजीत सर अभिजीत सर पंकज मैं यहाँ देखती हूँ हाँ अभिजीत क्या हुआ? हाँ सर कोई नहीं है सर, सर कल रात तक वो मेरे साथ है सर, फिर ये आत्माओं का तमाशा शुरू हो गया, तब से वो गायब है सर। गायब है सर? हाँ हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था सर, वो लोग सही कह रहे थे सर, अगर अभिजीत से को कुछ हो गया तो। नहीं पंकज ये सब बेकार की बात है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश, कोई बड़ी प्लानिंग के साथ ही सब कुछ कर रहा है। मगर सर आपको याद है ना कल रात हम सब डर गए थे। हाँ हम सब क्यों डर गए थे और कैसे इसका जवाब अभी नहीं है मेरे पास। यहाँ इस गांव में रहने वाले सब लोग जानते थे कि सीआईडी यहाँ इस हवेली में कल रात रहने वाली थी, इसका मतलब है इन्हीं लोगों में से कोई है जो ये सब कर रहा है। उस लड़की का चेहरा मैंने देखा था,
सर, वो उस बूढ़े आदमी अशोक का भी तो कहना था कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आत्माओं ने लड़की को अपने वश में कर लिया था। बूढ़ा आदमी या अशोक, ये आंखें, चेहरे पे घाव के निशान वैसे के वैसे ही हैं। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्या है, थोड़ा क्लियरली बताएंगे आप? सर, आज से 12 साल पहले उन आत्माओं ने जिस लड़की को जकड़ रखा था वो कोई और नहीं, वो आनिया ही थी, मेरी स्टूडेंट। क्या? हाँ मैडम, वो रात मैं आज तक भूला नहीं हूं। मैं डॉक्टर सुशील हूँ, तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ए डॉक्टर, इसका इलाज अच्छा तो क्या भगवान भी नहीं कर सकता। अन्या हमारी है, अन्या के साथ अब तू भी बनेगा। वापस आ गई है आत्मा बनकर। मरे हुए लोग वापस नहीं आते पंकज। अशोक जी, आपको पूरा यकीन है कि उस रात आनिया मर गई थी? सर, मैं खुद उसके क्रियाक्रम में गया था, मैंने अपनी आंखों से उसकी चिता को जलते हुए देखा सर, और उसके बाद से ही हवेली खाली पड़ी है। 12 साल पहले ही वो लोग गांव छोड़कर चले गए थे। मतलब तब से यह हवेली खाली है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे? हाँ सर, ऐसी जगह पर कौन रहेगा जहां मौत का साया हो। अशोक जी, लगता है इस हवेली में आज भी कोई रहता है। मतलब 12 साल इस पुरानी फोटो में या इस कमरे में कोई आईना नहीं है, लेकिन आज जब हम लोग हवेली में गए थे अभिजीत को ढूंढने के लिए, तो इस कमरे में इस दरवाजे के सामने यहाँ पे आईना था। अब ये आईना कोई आत्मा तो लाई नहीं होगी, जाहिर सी बात है किसी इंसान का ही काम है। चलो। ये आईना कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है। What was it? ये ग्लास, ये खाने का सामान और ये जंजीरें सर, लगता है यहाँ पे किसी को बांध के रखा था। सर, कहीं अभिजीत सर को तो नहीं? सर, हाँ सर, ये देखिए। यश, ये औरत कौन है? ओह नो, सोनल सर। हाँ अभिजीत सर का। अभिजीत सर, ये देखिए खून के निशान। ये खून के निशान अभिजीत सर के तो नहीं? दरवाजा,
जरूर यहां से अभिजीत जंगल की तरफ गया होगा। इससे पहले कि मुजरिम अभिजीत तक पहुंचे हमें उसे ढूंढना होगा। मैं कहां हूं? आप लेटे रहिए, देखिए हम आपकी पट्टी कर रहे हैं। आप वहां जंगल में पड़े थे बेहोश खून से लथपथ। मुझे दया से बात करनी है, उसको कुछ बहुत जरूरी बताना है मुझे। देखिए हम आपके साथियों का नंबर ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। हैं? मैं देखता हूं, फोन नहीं लग रहा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, कोई आगे नहीं जाएगा। प्लीज सब लोग इधर रुकिए। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहीं रुक जा, आगे मत आना। राधिका तू? ए, चुप। आन्या, मार दे से भी। नहीं। अब तो सबको मारना ही पड़ेगा। हम दोनों आन्या के भाई बहन हैं। आन्या को बचपन से एक प्रॉब्लम थी, काफी वायलेंट बर्ताव करती थी। जब तक किसी को जख्मी ना कर दे ये शांति नहीं होती थी। और लोगों को लगता था कि इसके ऊपर एक भूत चुड़ैल या आत्मा का साया है। जब डॉक्टर का कत्ल हुआ आन्या के हाथों, तो जेल और पुलिस से बचने के लिए मां ने ये सब षड्यंत्र रचा कि आन्या मर गई उस दिन हवेली से कूद के। मगर सच तो ये है कि हम दोनों को दूर बेचकर मां ने आन्या को हवेली के तहखाने में छिपा कर रखा था। मगर मां हर महीने आन्या के लिए एक ऐसा इंसान लेकर आती थी जिसे वो मारकर अपनी भूख शांत कर सकती थी। और ये अफवाह फैला दी कि हवेली में भूत है ताकि कभी किसी के कत्ल पर कोई शक ना हो। लेकिन जब धीरे धीरे मां की तबीयत खराब होने लगी तो मरने से पहले उन्होंने आन्या की जिम्मेदारी हमको सौंप दी और हम भी वही करते रहे जो मां कई सालों से करती आ रही थी। मगर गड़बड़ तो तब हो गई जब इस घर के मालकिन सोनल और उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया से उस घर में रहने वापस आ गई। हमने उन माँ बेटी को भी डरा के भगाने की कोशिश की थी लेकिन लेकिन उल्टा वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को ले आए और उन्हें पता चल गया कि हवेली में कोई आत्मा कोई भूत नहीं है। इसलिए मजबूरन हमें उसने मारना पड़ा। लेकिन हमारी किस्मत ही खराब थी, वहां पे सीआईडी ऑफिसर अभिजीत सर आप पहुंचे थे। जब हमने देखा कि वो बेहोश है और मानव ने उन्हें सही सलामत उनके घर छोड़ दिया। हमें लगा जो दवाई हम लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका असर इतना गहरा होगा कि अभिजीत सब कुछ भूल जाएंगे। और तुम लोग का प्लान तब चौपट हुआ जब हम लोग वहां हवेली में पहुंचे तहकीकात करने के लिए। हमें डराने के लिए भी तुमने वो ड्रग्स का इस्तेमाल किया और वो डरावनी आवाज भी निकाली है ना।
वो आत्मा बनके मैं ही डरा रही थी। हम दोनों ने हवेली में वो स्पीकर छुपा कर रखा था जिसमें उसमें आवाजें रिकॉर्ड की हुई थी और वही चल रहा था। पर वो लड़की सोनल, उसने अभिजीत को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि सोनल की माँ को हमने कब्जे में लिया था और हमें धमकी दी थी कि अगर अगर तुमने झूठ नहीं बोला तो उसकी माँ को मार देंगे। आनिया को सिर्फ सही इलाज की जरूरत थी, मगर अफसोस तुम लोगों ने गलत रास्ता चुना। इतने सारे बेगुनाह लोगों के खून के जुर्म में अदालत तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। आन्या का इलाज तो हो गई पर शायद सजा से ये भी नहीं बच पाएगी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।